हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामास प्रोमो में खुश आमदीद। आज आप इस वीडियो में देखेंगे बेनाम ड्रामा की मुकम्मल स्टोरी कि कैसे उमर और एमल की हो पाएगी शादी। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि आयशा के रिश्ते के लिए कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम है तूबा। सो जब वो आयशा के रिश्ते के लिए उसके घर आते हैं तो तूबा की बहन को आयशा की उम्र थोड़ी ज़्यादा लगती है और वो आयशा के रिश्ते से कर देती हैं इनकार। लेकिन तूबा को जो कि उम्र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उम्र से शादी करना चाहती है। जब ये बात उसकी बहन को पता चलती है तो वो आयशा लोगों के घर आती है और आयशा की माँ से कहती है कि हम आयशा का रिश्ता अपने भाई के लिए तभी करेंगे अगर आपका भाई मेरी बहन तूबा से शादी करेगा तब। सो दूसरी तरफ जो कि बाबर है, जब वो देखते हैं कि उमर और एमल एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो उमर को एमल से दूर करने के लिए उमर को किसी हुंडो से अच्छा खासा पिटवाता है। और जब उसकी उमर की माँ को पता चलता है तो वो उमर को अपनी कसम देती है और कहती है कि जहाँ मैं कहूँगी तुम वहीं शादी करोगे और तुम तूबा से शादी करोगे और उसे खुश रखोगे, ये तुम्हारी बहन की खुशियों का सवाल है। लेकिन जब उमर को पता चलता है कि उसकी बहन का रिश्ता तभी होगा जब वो तूबा से शादी करेगा तो वो तूबा से शादी के लिए मान जाता है सिर्फ अपनी बहन की खुशियों की खातिर। और यहाँ जो कि हैदर को लाइबा शुरू दिन से ही पसंद नहीं है, लेकिन सब मिलकर घर वाले लाइबा और हैदर का रिश्ता करवाना चाहते हैं। लेकिन अब हैदर को जो कि आयजा अच्छी लगती है और अब वो लाइबा से शादी नहीं करना चाहता, तो आयजा की शादी हैदर से ना हो इसलिए लाइबा की माँ राबिया जो कि आयशा की शादी बाबर से करवाने के बारे में सोचती हैं और वो कहती हैं कि मैं आयशा और बाबर का निकाह पढ़वा दूंगी। लेकिन बाबर आयशा से शादी करने से कर देता है इनकार और वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एमल से ही करूंगा। और तैमूर अंकल को जब पता चलता है कि हैदर आयशा से शादी करना चाहता है तो वो एमल और आयशा के बारे में सबको सच सच बता देता है और कहता है कि आयशा भी मेरी बेटी है जैसे लाइबा मेरी बेटी है। अगर हैदर लाइबा से नहीं आयशा से शादी करना चाहता है तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां तीनों बेटियां एक जैसी हैं, आयशा एमल और लाइबा। राबिया आंटी जब तैमूर अंकल की ये बात सुनती हैं तो वो लाइबा को लेकर तैमूर अंकल के घर से चली जाती हैं और कहती हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपने मुझे धोखा दिया है, ये हुस्ना की बेटियां हैं। अब जो कि उमर की माँ है वो है तैमूर अंकल की बहन। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई तैमूर अभी जिंदा है तो वो उनके घर जाती है तैमूर अंकल से मिलने और साथ ही उमर को और उसकी बीवी तूबा को लेकर जाती है। जब उमर देखते हैं कि आयशा और एमल तैमूर अंकल के घर पर रहती हैं और तैमूर अंकल की बेटियां हैं तो वो हैरान रह जाता है और उमर की माँ कहती है कि काश मैं तैमूर की बेटियों बेटी को अपनी बहू बनाती, काश तैमूर की बेटी मेरी बहू होती। खैर लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि जो कि उमर की बीवी है तूबा, उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो मर जाएगी तो फिर उमर की माँ उमर की शादी एमल से करवा देगी, एमल और उमर की शादी हो जाएगी, हैदर और आयशा की शादी हो जाएगी और लास्ट एपिसोड में शायद बाबर को जेल हो जाए प्रॉपर्टी के कुछ गलत कागजात की वजह से, बाबर लास्ट एपिसोड में जेल चला जाए ये भी दिखाया जा सकता है। इनका बाप जो कि मर जाएगा लास्ट एपिसोड में, तैमूर अंकल को मार दिया जाएगा। लाइबा की जो तरबियत है उसकी माँ कहेगी राबिया आंटी कि मैंने लाइबा की तरबियत बहुत बुरी की है, काश मैं उसकी तरबियत एमल और आयशा की तरह कर सकती तो वो भी आज एक अच्छी बेटी साबित होती। अपनी ज़िद की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से उसने हैदर को तो खो ही दिया, साथ साथ अपने बाप उसका बाप भी मर गया हमारी वजह से। उसको अपनी ग़लती का एहसास हो जाएगा, राबिया आंटी को अपनी ग़लती का एहसास हो जाएगा। लास्ट एपिसोड बहुत रुला देने वाली है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि हर न्यू अपडेट्स आप तक आसानी पहुँच सके।